सीसी फिरोज खाने लगा ना दी कोऑपरेटिव सोसाइटी अनुक लोसो लोसो चलक रेक दी बाजार पे अनुक लोसो लोसो चलक रेक थपचा जनसुक पब्लिक सहूलियत छिन दी सुपर मार्केट मतलब पेन मतलब तमाम सामान दे अनुक पिक एंड चूज यहाँ देखिए डी रेट फसामीन डी रेट फसामीन जब मेरे चाहे चौक चौक फुट जाता है योग पर पेमेंट बचा सामान फुट जाता और इसमें हर एक सामान जरा जरा आज कॉस्मेटिक से लेकर किचन वेयर से लेकर बच्चों का सामान से लेकर तमाम गमत यह थपची जरा हर एक आइटम पब्लिक दस्ता बाकी जब्तों सामान तेल दाल हर कसम बाकी अच्छी है जरा अच्छी हमारा एम मकसद ये है कि बाज़ार से थोड़ा रेट कम हो लोगों को सहूलियत हो और फिर आज फेस एन जी आज इनॉग्रेशन बस इंजीनियरिंग उनके लिए कितना मुफीदायक होगा ये एक अच्छा स्टेप है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से और मार्केट में इसका लोकेशन ठीक है और मैंने जितने भी हमारे जो स्टाफ उनको यही कहा है कि लोगों को अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराएं अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हों और सस्ते दाम के ऊपर क्योंकि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट प्रॉफिट के लिए इतना काम नहीं करता वो लोगों की सर्विस के लिए काम करता है तो उसके लिए एक ये पहला स्टेप है। इसके अलावा हम द्रास में भी ऐसा ही प्लान कर रहे हैं सांको में भी और जो बाकी रिटेल शॉप भी हम डेवलप कर रहे हैं इसके अलावा। तो आने वाले दिनों में सर साथ ही साथ जिस तरह से अभी सुपर मार्केट खुला है उसी तरह आपके तरफ से और भी दूसरे स्कीम्स आने के चांस है सर ये लोगों के फायदे के लिए इस तरह की खुलना बहुत ज़रूरी है सर आम पब्लिक के लिए। हाँ बिल्कुल कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से हम चाहे वो रिटेल शॉप्स हों या इसके अलावा हम मिल्क सेक्टर में काफ़ी काम कर रहे हैं हमने मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई हैं तो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का भी हम डेवलप करेंगे इसमें। इसके अलावा और भी जो चाहे वो फिश कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या एनिमल शिप में और भी हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हम निर्माण करेंगे जिससे कि लोगों की इनकम भी बढ़े और लोगों को फ़ायदा मिल सके। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का जैसे पिछले सालों में भी रहा है इस साल भी हमने पहले से ही मीटिंग की है और तैयारी की है एसेंशियल आइटम की लिस्ट बना के सभी मार्केट एसोसिएशन के साथ बात हुई है और उसकी स्टॉकिंग की जा रही है और एडवांस में हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं और सब्जी की जहां तक बात है या फ्रेश वेजिटेबल तो उसके लिए आर्मी से ऑलरेडी टाई अप हुआ है और हमारी कोशिश ये है कि हम प्राइवेट कार्गो से भी हम सपोर्ट करें उसमें तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हम पिछले साल की जो कमियां उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और इस साल हम कितना उसको लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं तो उसके ऊपर हम मेहनत करेंगे।